हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 से एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में एक थ्योरम दिया हुआ है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल थ्योरम। तो ट्रायंगल थ्योरम इस तरह से दिया हुआ है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दिया हुआ है। तो आपको प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू होता है AB स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होता है AB स्क्वायर। मतलब इसमें क्या है, AB जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, AB कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है PR को, और BC कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है PQ को, और AC कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है QR को। और ये दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये सिमिलर ट्रायंगल दे दिया, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं। आपको आप मान कर चलिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ, इस थ्योरम में लिखा हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ऑलरेडी प्रूव है। तो शुरू करते हैं, यहां से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया AM, और यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया RN हमने ड्रा किया। तो खींचेंगे, आप लिखेंगे पहले ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC, और यहां पर RN परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने PQ पर हमने ड्रा किया, ये दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया। तो थ्योरम ये होता है, ये हम लिखते पहले यहां से शुरू करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इसका है BC इंटू हाइट ये है AM और अपॉन ये इसमें करते हैं। अब इसका ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल PQR निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस मतलब PQ हो गया इंटू AR हाइट हो गया। अब ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, BC अपॉन PQ एक कर लिया, और AM अपॉन RN हमने इसका ग्रुप, इसके BC और PQ का ग्रुप बना लिया, और AM और RN के ग्रुप बना करके मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया ये। अब चूंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम पहले लेते हैं इसका, ये इसके लिए एक हम और सिमिलर ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए हम एक और सिमिलर ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे। देखो कौन सा सिमिलर ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं, यही मेन समझना आपको कि कौन सा सिमिलर ट्रायंगल हम सिलेक्ट करते हैं। देखो इसको हम ग्रीन से मार्क करेंगे, ग्रीन से हमने मार्क कर दिया, ये हमने सिलेक्ट किया, और इसमें भी हमने सिलेक्ट कर दिया, ये जो ग्रीन से हमने मार्क किया है ये हमने सिलेक्ट कर दिया। ये अब ये दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल है, इसको अभी हम दिखाना पड़ेगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो देखो
क्योंकि यह एंगल एंगल ए, ये आप पहले आपको मालूम है क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल कहा, ये सिमिलर ट्रायंगल कहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। ये है ऑलरेडी ऑलरेडी है, ये आपको कुछ करना नहीं, ये गिवन है क्योंकि ये पहले ही कहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम होते, इक्वल होते, तो ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। ये शो नहीं करना है, ये दिया है, ये क्वेश्चन में कहा कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का छिलके वाला अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बताना है, ट्रायंगल का नाम बताएंगे कौन सा, ए एम बी एंड ट्रायंगल आर एन पी, आर एन पी हमने दो ट्रायंगल सिलेक्ट कर दिया। अब देखो ये एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ये गिवन है और ये देखो एंगल 90 डिग्री का ए एन बी, एंगल ए एन ए एम बी या है एम एंगल ए एम बी, ए एम बी और यह एंगल आर एन पी, एंगल आर एन पी 90 डिग्री का है, दो एंगल हमने दिखा दिया सेम है, तो अब तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, जब दो एंगल सेम हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक से हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर बाई ए ए, बाई ए ए सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्रायंगल कौन दोनों ट्रायंगल ए एम बी और ये ट्रायंगल आर एन पी, ये दोनों सिंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, सिंगल ट्रायंगल हमने दिखा दिया कि प्रूफ हो गया। अब सिंगल ट्रायंगल जब हो गया तो अब हम अभी से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अब यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ए बी, ठीक है 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ए बी और इसमें 90 डिग्री के अपोजिट साइड है पी आर, इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री की अपोजिट साइड ए बी है और इसमें 90 डिग्री के अपोजिट साइड पी आर है, ये रेशियो इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, ये देखो ये परपेंडिकुलर, ये हाइट है, एल्टीट्यूड है ए एम और ये एल्टीट्यूड है आर एन, 90 की अपोजिट साइड ए बी और 90 के अपोजिट साइड पी आर, इसका रेशियो इक्वल होगा इस परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर मतलब ए एन और ये हो गया आर एन, इसके इक्वल हो गया। अब इतना हमने दिखा दिया, अब इसको थोड़ा सा जगह हम बनाएंगे, इसको मिटाएंगे, इसको मिटा दें, इसको हम ऊपर से मिटा दे रहे हैं, इसको यहाँ से इसकी जरूरत नहीं। अब आप देखिए यह एक रिलेशन मिल गया, नंबर वन रिलेशन हो गया और ये नंबर टू रिलेशन हो गया। अब देखो इस पूरे ट्रायंगल एबीसी में सिंस ये दिया हुआ है, सिंस ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा रहे ए बी अपार पी आर और इसमें ए सी अपार आर क्यू या क्यू आर और बी सी अपार पी क्यू, नंबर ये थ्री रिलेशन हो गए। अब इसमें देखो ए बी अपार पी आर क्या है, ए बी अपार पी आर ये बोलिए ए बी अपार पी आर, ए एम अपार आर एन है
तो हम अब लिख सकते हैं ए बी अपान पी आर को ए एम अपान आर एम, और इसमें देखो ए एम अपान आर एम यहां इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं अभी। अब देखो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है बी सी अपान पी क्यू। इसको तो वैसे ही रख दो, वैसे ही छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर ए एम अपान आर एम क्या है, यहाँ पर ए एम अपान आर एम ए बी अपान पी आर है, ए बी अपान पी आर, इसे हम बना सकते हैं कि ए बी अपान पी आर या ए एम अपान आर एम को हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी आर। अब देखो ये ए बी अपान पी आर, यहाँ से आओ यहाँ पर ए बी अपान पी आर किसके इक्वल है, बी सी अपान पी क्यू के। ए बी अपान पी आर है ए सी अपान क्यू आर के, ए बी अपान पी आर है बी सी अपान पी क्यू के, ये दोनों आपस में मतलब ये जो है ये रिलेशन इसके इक्वल हो गया, ए बी अपान पी आर हो गया बी सी अपान पी क्यू के इक्वल हो गया। यहाँ देखो ए बी अपान पी आर ए एम अपान आर एम है, और ए एम अपान आर एम है ए बी अपान पी आर है। तो अब हम रख रहे हैं यहां पर ए एम अपान आर्यन की जगह पर लिखेंगे ए बी अपान पी आर, ए बी अपान पी आर, और अब हम लिखेंगे बी सी अपान पी क्यू इंटू ए बी अपान पी आर। ए बी अपान पी आर क्यों, क्या यहां पर बी सी अपान पी क्यू है, तो बी सी अपान पी क्यू हमने लिख दिया। अब ये हो गया BC का होल स्क्वायर अपान P2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये देखो हमने प्रूव कर दिया पहला रिजल्ट। सिमिलरली हम ऐसे भी कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल P2R इक्वल टू BC अपान BC अपान PQR हो गया। अब दूसरा साइड बचा AC अपान AC स्क्वायर अपान AC किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये दो नंबर का RQ के स्क्वायर, तो ये RQ का स्क्वायर हो गया। फिर अब AB के निकालेंगे तो AB का स्क्वायर AB करस्पॉन्ड कर रहा है PR2, ये हो जाएगा P R स्क्वायर, तो प्रूव हो गया।